मानगांव और वरौली बॉयज़ के दरमियान हुआ था, जिसमें पारवी बॉयज़ ने यह मुकाबला जीता है। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी शुरुआत अच्छी की थी बंटी बद्रिके ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही बेहतरीन थ्रो था मयूर वाघमारे का और उन्होंने बैक टू द पवेलियन भेजा था दोस्तों। सही मायनों में वहीं से मुकाबला यानी कि टर्निंग पॉइंट भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बंटी बद्रिके ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हर मैदान पर की है दोस्तों। ये सभी जानते हैं, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम है और अनिल ने भी अच्छा एक छक्का लगाया था, लेकिन जीतू ने जो उनके टीम के कप्तान को जो अपेक्षा थी उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की। फिरोज शेख की गेंदबाजी पर अनिल ने एक बहुत ही शानदार छक्का जड़ा था, स्वरूप ने एक छक्का जड़ा था और अनिल ने मयूर वाघमारे की गेंदबाजी पर और शुभम की गेंदबाजी पर छक्का जड़ा था। फिरोज और शुभम ऐसे दो गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हुए दो छक्के लगे थे और लगभग वो मुकाबला 17-18 रनों से जीता था फिरोज शेख। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी दोस्तों, क्योंकि पहले ओवर में फिरोज शेख ने अगर बात की जाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक ओवर होती है, उसमें 18 रन खर्च किए थे इस खिलाड़ी ने। अंधेरी का ये खिलाड़ी है एज अ बॉलर, जिसके बारे में मैंने आपको सभी विश्लेषण और उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। चलिए अब ओपनिंग पेयर मैदान पर जाने दे। अली हरवीत के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी ओपनिंग पेयर मैदान पर भेजे, जिन्होंने पहले मुकाबले में दोस्तों हमने देखा था निष्ठा और सारा और निष्ठा की टीम को हराया था। एक बड़ी टीम को दोस्तों इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था अब कुछ रणनीति बनाते हुए, क्योंकि ये वही टीम है जिसने सुबह का दूसरा मुकाबला अपने नाम किया था दोस्तों, और सबों ने वो मुकाबले को देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि थॉमस डायस ने भी देखा होगा, फिरोज शेख ने भी देखा होगा, मयूर वाघमारे ने भी देखा होगा और शुभम वगैरह, तो नो डाउट इन सभी खिलाड़ियों के बारे में इनको खासी जानकारी है। यहाँ पर एक मुखलिस इंसान दोस्तों अफजल भाई मेमन, अफजल मोहम्मद मेमन जो कि महाड़ अफजल मेमन के टीम ऑनर है, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये अतिथि कक्ष में आकर आप बैठे। बहुत ही अच्छी हस्ती है दोस्तों, सभी जानते हैं इस खिलाड़ी को, इस टीम मेकर को। क्रिकेट तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी खेला होगा, लेकिन आजकल क्रिकेट खिलाते बहुत ही अच्छा है, यानी कि अपनी टीम और अपने स्थानिक जो खिलाड़ी है उनको दूर दूर बॉल दिया। तर पुन्हा एकदा मित्रांनो, आलेल्या सर्व दर्दी रसिकांचा मी हार्दिक स्वागत करतो। या ठिकाणी अफजल मोहम्मद मेमन हे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो। तसेच आलेल्या माझे सर्व क्रीडा रसिकांचा पुन्हा मी हार्दिक स्वागत करतो। मित्रांनो, हा सामना आपण पाहतोय अली हरवीत विरुद्ध आरावी 11 मानगाव, या उभय संघामध्ये रंगलाय नाणेफेकीचा कौल। पारवी 11 मानगावच्या बाजूने गेलो होतो, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे, अर्थात फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं आहे मित्रांनो अली हरवीत या संघाला।
पुन्हा एकदा मी या मॅचचं धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर अतोनात प्रयत्न करणार आहे हिंदी राष्ट्रीय भाषेच्या माध्यमातून। तो चलिए दोस्तों, मैं मुश्ताक अफराद आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का, क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बीच पहली ख़राब गेंद आई, नो बॉल अंपायर का इशारा भी आया और एक रन भी दौड़ कर मुकम्मल की। तो इस तरह से पहली गेंद पर आने वाले तोहफे के रूप में दो रन। मयूर वाघमारे कुछ फील्ड में परिवर्तन लाते हुए, पिछली ओवर में बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही थी, थोड़े से एक गेंद पर वो खफा थे, लेकिन वो अच्छा फैसला था अंपायर कुणाल जी पेनकर का, क्योंकि जब आप शॉर्ट गेंद करते हो और गेंद में घुमाव होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो गेंद ज़मीन पर पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा आउटसाइड नेक्स्ट ऑफ स्टंप निकल जाती है, तो इसी कारण से उनको वाइड बॉल करार दिया गया था। थोड़े से निराश ज़रूर थे, लेकिन कभी कभार गेंद जब शॉट गिरती है तो आप आजमाइए कभी भी, क्योंकि आपकी गेंद में स्विंग होता है और शॉट गेंद जब ज़मीन पर पड़ती है ना तो वो बाहर निकलती है और फिर अकॉर्डिंग टू रूल नियम क्रमांक 22 का इस्तेमाल होता है। इस बीच चलिए मैदान पर दोस्तों, शहबाज सिंगल सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए रनों की संख्या को 3 तक 4 तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। और अभी 11 मानगांव की जानिब से पहले गेंदबाज स्ट्राइकर गेंदबाज हम फिरोज शेख को देख रहे हैं, जो कि अंधेरी से बिलोंग करता है। और इस प्रतियोगिता के लिए दोस्तों मानगांव अरबी एलन के जानिब से उन्हें आमंत्रण दिया गया। और सुबह में हमारे साथ ही में ही वो रिहान राजपुरकर के साथ दोस्तों पहली जंगल जेटी से आया था। तो यहाँ पर गुलाम भाई पेशमाम के मैदान पर कल्लास में फिर से एक मरतबा वो अपने जलवे बिखेरने के लिए आया है, लेकिन हवा में गेंद और सलीम दौना के बल्ले से निकलने वाला यह आसान सा कैच अब सारा ज़माना यहाँ पर हसीनों का तो नहीं डीजे लोकेश, लेकिन रिहान राजपुरकर का दीवाना ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि आपने फाटे पर भी देखा था कोपरा ग्रुप के मैचेस में, कल भी हमने देखा था किस प्रकार से रेस्ट ऑफ इंडिया के सामने शानदार गेंदबाजी की थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। दोस्तों इन दिनों इस खिलाड़ी का सितारा उरूज पर है, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी, और इस मैदान पर भी हमने देखा पहला मुकाबला अगर सही मायनों में किसी ने जिताया है, मैच विनर और टीम के शिल्पकार कोई अगर बने हैं विजेता के, तो वो रिहान राजपुरकर ही थे। गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो दोनों ही क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी की थी और निश्चित रूप से अपनी टीम को जीत दिलाई थी। एक रन का और इजाफा होगा हमारे साथ यहाँ पर अब्दुल सईद भाई दांडेकर, जो कि मांदार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी यहाँ पर आए दोस्तों। जिस तरह से मैं सुबह से ही कह रहा हूँ कि मुरूड मांदार इन हर तालुके से यहाँ पर शायकीन क्रिकेट आ चुके हैं, राजपुर से भी कई हमारे दोस्त वहबाब इस प्रतियोगिता के लिए आए हैं, क्योंकि नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के वैसे भी दोस्तों टूर्नामेंट के काफ़ी चर्चे होते हैं, इंतज़ार होता है कि कब टूर्नामेंट हो, और इंतज़ार के कारण लोग इस कड़ी धूप में भी इतना लंबा सफ़र तय करके भी यहाँ आए हैं। तो उन दर्दी रसिकों का भी मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। ज़ोरदार अपील और बहुत ही इंतज़ार करने के बाद आंखों ही आंखों में इशारा दोनों अंपायर के दरमियान, बड़ा झटका होगा दोस्तों क्योंकि ये रिहान राजपुरकर का कैच है, ये बड़ा झटका हो सकता है।
वाघमारे अपना निजी पहला और टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेकर, पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते मुदस्सर रिफाई के पास। शुक्रिया मुश्ताक भाई। चलिए मैदान का रुख करते हैं, मैच जरा फास्ट कीजिए दोस्तों, जहां पर थोड़ी सी देरी हो गई है हमें। ले चलता हूं मैदान की ओर। शहबाज स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर है फहद। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए गेंदबाजी के लिए तैयार है मयूर वाघमारे, दैवत गांव का ये सितारा। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे शहबाज के लिए। अच्छी गेंद यहां पर, ब्लॉक होल की गेंद थी। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यहां पर यूज करते हुए आंखों आंखों में इशारा कर दिया और यहां पर आप देख सकते हैं दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। 2 रनों की मदद के साथ आपको बताता चलूं कि पहली ओवर की समाप्ति के बाद 5 हुए थे और +2 यानी कि 7 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा, तो पावर प्ले की ओवर एक अच्छी ओवर घटती हुई गेंदबाजी करने वाली के पक्ष में। अच्छी गेंद यहां से उठाकर, उछाल भरी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लीडिंग एज लगा, डिक्लेयर जोन में जहां पर 1 रन है, 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 से रन संख्या हल्की सी आगे बढ़ती हुई जा पहुंची है, रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड पर 8 रन। दूसरा ओवर जारी है, फहद स्ट्राइक पर है खेलने के लिए। नास स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से सभी आए हुए क्रिकेट के दीवानों का, क्रिकेट के दर्शकों का फिर एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी अतिथि मंडल का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छी गेंद यहां पर, बल्ले का फ्लो खोला था, ऊपरी हिस्से पे लेना चाहते थे बल्ले को, लेकिन गेंद नीची रही, सब मरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है टप्पा खाने के बाद, और विकेट कीपर के दस्ताने को ज़रूर लगी थी, लेकिन 1 रन चुराने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हुए। 1 रन हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुँचा है, 9 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 और 2 1 और 2 ऐसा अभी तक भी रणनीति चल रही है। अब 3 गेंदें हो चुकी है मयूर वाघमारे की, बहुत लंबा सफ़र तय कर यहां पर आए हैं खेलने के लिए मयूर वाघमारे। देवत का ओहो, धीमी गति के गेंद यहां पे फंसा दिया है और सम्मानपूर्वक शहबाज ने इस गेंद को खेला, 1 रन चुरा लिया। यही शहबाज जिन्होंने पिछली मैच में लगातार छक्के मारने का जो विक्रम किया था और एक अच्छी टीम को बाहर निकाला था, बढ़िया बल्लेबाजी कर की थी। 4 गेंदों में सिर्फ आग भी देखा जाए तो बांध के रखा है अभी भी बल्लेबाजों को, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है मयूर वाघमारे ने। फहद इस बार उठाकर खेल दिया है, शुभम है वहां गेंद के नीचे, अच्छी कोशिश लेकिन रोक नहीं पाए फहद के बल्ले से आता हुआ। ये यहाँ पर टाई टाई फिश ने लेकिन 6 रन जरूर मिलेंगे, रन संख्या 6 से बढ़ती हुई चली गई, 16 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए फहद के बल्ले से आता हुआ ये छक्का दन दनाता। इस बार खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी और कहना पड़ा इट्स अ वाइड, यानी कि 1 रन स्कोरबोर्ड में बढ़ता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 17 रन स्कोरबोर्ड पे आते हुए। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है, इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या प्रहार कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये दूसरा ओवर जारी है। अब तक के 4 गेंदें अच्छी डाली थी लेकिन फहद ने एक अच्छा छक्का जड़ा 5वीं गेंद पर, आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है। इस बार देखिए क्या दंदनाती भी जाएगी, यस इट्स अ बिगी इन टू द क्राउड यू 6।
गली बली हो गया यहाँ पर। फहद जिन्होंने मयूर वाघमारे पर प्रहार किया है, बैक टू बैक दो छक्के लगाए हैं, काफी खर्चीले साबित होते हुए। हालांकि आप देख सकते हैं पहले ओवर में फिरोज शेख की गेंदबाजी पर सिर्फ 5 रन और 2 विकेट आए थे, लेकिन इस बार आपको बताता चलूं कि दूसरा ओवर जब जारी हुआ तो 4 गेंदे अच्छे आने के बाद आखिरी 2 गेंदों पर छक्के। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर स्कोर देखा जाए तो स्कोर लगता हुआ स्कोर बोर्ड पर 23 धावा धावा फल का रखता हूँ मित्रों, 23 रन हो चुके और 2 विकेट खोए। अभी आने वाला गेंदबाज कौन होगा? यस नो डाउट शुभम जाधव, मैन फ्रॉम मानगांव, मानगांव की तरफ से आप गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। शुभम के हाथ 3 ओवर दिए, पिछली मैच अच्छी घटी थी, पिछली मैच की गेंदबाजी भी अच्छी की थी, लेकिन अभी स्ट्राइक पर है लोकल बॉय शहबाज, जिन्होंने बताया था बल्लेबाजी का करिश्मा पहली मैच में और 3 छक्के जड़े थे, वही नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं फहद। गेंदबाजी के लिए शुरुआत होती हुई पवेलियन एन की तरफ से, पटकी भी गेंद, साहस भरा शॉट, लेकिन ये गेंद ओहो, ये देखिए यहां पर छक्का जड़ता हुआ, 6 रन। यहाँ पर बुर्ज खलीफा की इमारत के जैसा शॉट था, लेकिन ये शॉट ऐसा लगा कि अंदर गिरेगा, लेकिन हवा का दबाव देखिए बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज के लिए क्या फायदेमंद साबित होता है। यहाँ पर 6 रन जड़ते हुए आप देख सकते हैं, इस 6 रन की मदद से रन संख्या 6 से बढ़ती हुई चली गई, 29 ऑन स्कोर बोर्ड। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि इस व्यासपीठ पर यानी इस रंगमंच पर रखी हुई 2 चीज़ें आपके सामने है, आपको बताता चलूँ, वॉशिंग मशीन और साइकिल। अगर इसको जीतना है तो 100 रुपये वाला कूपन लेना होगा और आपको इसको जीत सकते हैं। लक आजमा ले लक, ये आपको यहाँ पर लक आजमाना होगा 100 रुपये में। चलिए मैदान का रुख करते हैं, पहले ही गेंद पर शहबाज ने शुभम पर प्रहार किया है, आक्रामकता अपनाने का रूप धारण किया है, क्या इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा। इस बार सही शॉट, लेकिन खिलाड़ी मोहसिन वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं हो, यहां पर शहबाज को बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर आली बॉयज हरवीत के लिए, लेकिन अभी भी स्कोर देख सकते हैं आप 29 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हुए, अभी तक का अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है, क्योंकि तीसरा ओवर जारी है और तीसरी ओवर की सिर्फ 2 गेंदें हो गई। पहली गेंद पर प्रहार किया था, दूसरी गेंद पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विकेट लेने में कामयाबी हुई शहबाज को। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तेरी तो एक मेरी, यहाँ पर कभी तेरी कभी मेरी यहाँ होता हुआ, लेकिन अब देखना होगा आने वाली गेंद, नया बल्लेबाज मैदान में आता हुआ, न्यू बैट्समैन मैदान पर आ रहे मलिक, अच्छे कद के बल्लेबाज है और गेंदबाज भी, अच्छे ऑलराउंडर कहा जाता है श्रीवर्धन तालुके में, जर्किन नंबर 5 आप देख सकते हैं। आपको एक रिकॉर्ड बताता चलूँ, फिल सिमंस का जो रिकॉर्ड है 10 ओवरों में उन्होंने 8 ओवर मेडन डाली थी और वो मैच खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध और सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, बताता चलूँ 10 ओवरों में 8 मेडन डाले थे और उसमें 4 विकेट भी चटकाए थे, यह एक रिकॉर्ड बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड है दोस्तों। शुभम दौड़ पड़े गेंदबाजी के लिए, चले मैदान का रुख, अच्छी गेंद यहाँ पर क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यूज करते हुए और ब्लॉक होल वाइड लाइन की गेंदबाजी करते हुए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गेंद पर प्रहार करना काफी मुश्किल होता है दोस्तों, उसी तरह से गेंदबाजी की। अब शुभम ने फिर एक बार अपने आप को लौटाया, अपने आप को झोंका है इस गेंदबाजी पर, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद आप देख सकते हैं दूसरी गेंद पर विकेट और तीसरी गेंद बिंदी जाती हुई, लेकिन मलिक जिन्होंने पहले इसके पहले मैच में अपने टीम के लिए बल्लेबाजी की थी, पहली मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, दमखम दिखाना चाहते थे, बल्ले का और गेंद का तालमेल नहीं, यहां मिलाप नहीं, यहां कांटेक्ट नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती, यहां पर बिंदी गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आने का मतलब एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता हुआ, जब दबाव बनता रहेगा बल्लेबाज पर निर्धारित ओवर का खेल होता है दोस्तों, डू और डाई की परिस्थिति होती है, इस परिस्थिति का विश्लेषण करना होता है, इस परिस्थिति को संभालना होता है, पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद अपने आप को गेंदबाज ने संभाला है, यहां पर अब गेंदें आने होगी, दो गेंदों पर क्या प्रहार कर पाएगा देखना होगा। इस बार हवाई फायर करना चाहते थे,
काफी अवसर से बाहर थी गेंद और डिक्लेयर के रूप में मिलती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ हमारी तरफ, एक रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट होती हुई फहद, फहद जिन्होंने दो लगातार मयूर वाघमारे को छक्के लगाए थे, क्या हैट्रिक कर पाएंगे इस अब पहली गेंद पर छक्का लगा के शुभम के, ये देखना होगा क्योंकि फहद के पास वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है, और अगर इस गेंद पर छक्का लगाते तो एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा तीसरी ओवर का। इस बार खराब गेंद और खराब गेंद का यहां पर देखिए सम्मान दिया, उसे पता था फहद को कि ये गेंद खराब होगी, निश्चित रूप से एक रन देके जाएगी। एक रन से स्कोर बोर्ड हलता हुआ, स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है मेरे स्कोर मुझे बताते हुए 31 ऑन अ स्कोर बोर्ड। आपको बताता चलूं कि 25 रन दो ओवर के माफ करना 24 रन थे 23 रन थे दो ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन उसके बाद एक छक्का पहली गेंद पर खाने के बाद शुभम यादव ने, जिसे क्रिस गेल कहा जाता है, उसने अपने आप को झोंका और संभाला है। आखिरी गेंद आना बाकी है, फुल टॉस गेंद हवाई फायर करने का, फिर एक बार कैच का मौका, कैच को लपका फहद बैक टू द पवेलियन, ओवर की समाप्ति। थैंक यू डीजे। न्यू बैट्समैन मैदान में आता हुआ, नया बल्लेबाज मैदान की ओर बढ़ता हुआ, सुफियान और फ्रॉकी। अब देखना होगा आखिरी गेंद, स्लॉग ओवर की गेंदबाजी, 6 गेंदे का शेष खेल बचा हुआ है। अंपायर बेल्स पड़ लेते और लगभग आपको बताता चलूं कि 6 गेंदे शेष है, 6 गेंदों में कितना रन बनाने होंगे, लेकिन आपको पहले बताता चलूं कि अब तक का स्कोर जो 3 ओवर की समाप्ति के बाद हो चुका है, वो रन संख्या जा पहुंचे स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। अब 6 गेंदों का खेल शेष होगा, अली बॉयज हार्विक को चाहिए कि 6 गेंदों में कम से कम 19 या 20 रन जोड़े, ये होगा काम सुफियान और मलिक को करना होगा, लेकिन नया गेंदबाज सूरज गेंदबाजी के लिए तैयार है। जार्किन नंबर आप देख सकते हैं 5, फील्डिंग देखिए किस तरह से फील्डिंग को क्षेत्र सजाया गया, एक डीप स्क्वाड लेग, डीप वाइड मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, इस तरह से फील्डिंग की क्षेत्र रक्षण की गई है। यहाँ पर 2 एक शॉट कवर पॉइंट रखा गया है और एक शॉट डीप में एक मिड विकेट रखा गया है, इस तरह से फील्डिंग की तैनात की गई है। चलिए दौड़ पड़ा गेंदबाज गेंदबाजी के लिए, इस बार कारपेट के सहारे खेल दिया है, कौ कौन की जानिब से फील्डर आता गेंद को थ्रो करता फील्ड करके, यहाँ पर तूतू मय होते हुए, कॉलिंग सही नहीं होता, लेकिन छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरा रन लेने में कामयाब नहीं हुए, एक ही रन मिला और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, स्कोर जा पहुंचा है 32 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 32 रन हो चुके 3 विकेट के नुकसान। आने वाली 5 गेंदों का खेल बचा है, 5 गेंदों में क्या करामाती छक्के लगेंगे, चौका लगेगा, विकेट गिरेगा, ये आने वाली 5 गेंदे ही आपको बताएगी। दोस्तों मैदान का रुख करते जहां पर एक घमासान युद्ध हो रहा है, ये युद्ध कौन जीतेगा ये बाद में पता चला। इस बार हवाई फायर करने का इरादा मलिक के बल्ले से आता हुआ, शुभम आते लॉन्ग ऑन की क्षेत्र से, वो गेंद को कलेक्ट करते थ्रो करने से पहले दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन और पूरा किया। अभी भी 4 गेंदे शेष है, यहां पर कुछ करना होगा सुफियान रॉकी को या फिर मलिक को अगर स्ट्राइक मिलती है तो। 4 गेंदों का खेल, अभी नहीं तो कभी नहीं, 4 गेंदों में आपको बताना होगा जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम, यहां पर आपको इस मैच का सिंघम बनना होगा। 4 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ, मैदान का रुख, यहाँ पर अच्छी गेंद, गेंदबाजी की सराहना जितनी की जाए उतनी कम, यहाँ पर देखिए रन तो पूरा हुआ, 2 दर किया और रन बनाने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोकथाम लगा कर रखी है सूरज ने गेंदबाजी में अपने। सूरज की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की विश्लेषण हुआ है, 3 गेंदे बहुत ही बढ़िया फेंकी है, लेकिन एक दबाव बना रहेगा मिडल ऑर्डर पर। यहाँ पर मिडल ऑर्डर के तौर पर आपको बताता चलूँ कि मलिक बल्लेबाजी कर रहे, अब मलिक को मौका बनाना होगा अपने टीम के लिए। इस बार फिर एक बार कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट की क्षेत्र में खेला है जहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन पूरा किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मलिक को बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा और यहां पर मलिक आउट होते हुए और एक झटका लगता हुआ आप देख सकते हैं, यहां पर झटके लगते हुए विकेट गिरते हुए, लेकिन निश्चित रूप से क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर
लो स्कोरिंग मैच है निश्चित रूप से, ये भी अच्छा हो सकता है, लेकिन बैटिंग लाइनअप आपको बता चलूँ बहुत ही बढ़िया है मानगांव के पास, थॉमस डाइस जैसे बल्लेबाज आपको पता है जिसके नाम पर अर्धशतक ये सीजन में भी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उस्मान पटेल का नाम लिया जाएगा और निश्चित रूप से अब आने वाली दो गेंदें शेष होगी और अब बल्लेबाजी के लिए जाए सतीश पाटिल जो एक इस मैदान का ही बाइकर मैन जिसे कहा जाएगा, इसके नाम एक बाइक है दोस्तों, इस खिलाड़ी को ऑलराउंडर भूमिका निभानी होगी, लेकिन बहुत देरी से आए, अब दो गेंदे शेष है, लेकिन गेंदबाजी क्या बल की थी आपको बताता चलूं, 35 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 35 रन हो चुके हैं दोस्तों, दो गेंदों का खेल अभी भी शेष है, दो गेंदों में आपको करो या मरो, डू और डाई ये तो करना ही होगा अगर अपने टीम के लिए, अगर ये दो बड़े शॉट्स आते तो एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा, चेसेबल स्कोर कहा जाएगा, लेकिन अगर या तो फिर डॉट बॉल तो फिर निश्चित रूप से बैकफुट पर जाएगी, लेकिन यहां पर एक रन देख सकता हूं मैं कि एक रन कामयाबी से ले लिया, सतीश पाटिल जो नॉन स्ट्राइक पे खड़े थे उनको खेलने का जरूर मौका मिलेगा, खराब थ्रो जरूर हुआ था दोस्तों, लेकिन एक ही रन में संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों को होना पड़ा, अभी तक भी कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला, जब फहद था फहद ने बताया था, फहद ने शहबाज ने जो शॉट्स लगाए थे उसके बाद रन संख्या अब जा पहुंची है 36 स्कोरबोर्ड पर, अब आखिरी गेंद होगी यानी कि आखिरी इनिंग की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है सूरज, सूरज की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है दोस्तों, बहुत ही कंजूस गेंदबाजी की है सूरज ने, इस बार सूरज पाटिल के बल्ले से आता हुआ क्या ये गेंद रोक पाएगा, यस नो डाउट, यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा करते हुए, लेकिन दोनों बल्लेबाज चालाक थे और चालाकी दिखाई, दो रन पूरे किए, इस दोनों इनिंग का खात्मा हुआ, पहले इनिंग समाप्त होती हुई, पहले इनिंग की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 38 रन, धावा फल कवर धावा लगता थे 38 धावा, 39 धावान का लक्ष्य ठेवलेला आहे अली बॉयज हरमीत या संघाने, 39 धावा करायचे आहेत मित्रांनो आपल्या, इरशाद भाई तुर्की जहां कहीं भी हो जरा कॉमेंट्री बॉक्स कडे आहे, बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं नास स्पोर्ट्स क्लब का दिगी के इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन, और आखिरी दिन की बात की जाए तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, डीजे मास्टर कहाँ है हमारे, यस नो प्रॉब्लम, जहां तक गेंदबाजी की बात की तो देखिए साइकिल आपके सामने, यहां पर ये साइकिल जो है ना ये हमने प्रदर्शित करने के लिए रखा हुआ है, इस बच्चे के लिए हमने बोला है कि राउंड लगा के आजा बेटा, ये साइकिल आपकी हो सकती है दोस्तों, 100 रुपये का कूपन यहां पर अवेलेबल है, नईम वनवारे यहां पर हमारे मौजूद है उनके पास है, और एक वॉशिंग मशीन भी रखी गई इसके साथ में, ये 100 रुपये का कूपन लीजिए और ये साइकिल आपकी हो सकती है दोस्तों, तो ये साइकिल का हकदार कौन होगा निश्चित रूप से आने वाला आज का अंतिम समय बताएगा दोस्तों, सलामी के बल्लेबाज मैदान में जाते हुए शुभम जाधव और थॉमस डाइस, मैंने कहा था कि शुभम हमारे यहाँ के क्रिस गेल माने जाते, लेकिन थॉमस डाइस मैं आपको बताता चलूँ जिनके नाम पर टेनिस क्रिकेट में अर्धशतक सबसे ज़्यादा रखे गए दोस्तों, और ये खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा बनाई है, अपनी एक छाप छोड़ी है अर्धशतक की, साथ ही उस्मान पटेल का भी नाम लेना चाहूँगा जिसने अपने टेनिस क्रिकेट में छाप छोड़ी है दोस्तों, ये छाप होती है आपको बताता हूँ, मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने अब तक के उनके करियर में 1347 विकेट लिए थे, ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, और साथ ही मैं आपकी एक बात बताऊँ, एक टेस्ट में 19 विकेट लेने वाला भी गेंदबाज था जेम लेकर्स, जिसने 19 विकेट लिए थे अपने टेस्ट करियर एक मैच में, माफ करना एक मैच में, देखिए मैदान का रुख करते हैं, फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से रहेगी, एक पॉइंट कवर पॉइंट
यस, खाली 10 कूपन बचे हुए हैं, ये अंतिम रहेगा और उसके बाद कूपन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये कूपन कल तक 10 ही बिके थे और आज 10 रह गए। यानी आज का देखिए क्या क्या यहाँ पर सेलिंग हो रही है, बहुत ही बढ़िया सेलिंग हो रही है कूपन की। मैदान का रुख करेंगे दोस्तों, सतीश पाटिल बैकर मैन के हाथ में गेंद थमाई है। दोस्तों एक लोकल खिलाड़ी ने इसी मैदान पर बाइक जीती थी अपनी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, उस वक्त इस खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, तो अब उसके हाथ दिया है, भरोसा जताया है अली बॉयज हरवित के टीम ने। देखना होगा कि ये कितना फायदेमंद साबित होता है। लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज मैंने कहा था कि जिनके नाम पर बहुत सारे अर्धशतक है, थॉमस डाइज है, नॉन स्ट्राइक पर खड़े शुभम यादव। मैच इज ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच शुरू होने जा रहा है। दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर लगाए, एक मिड विकेट रखा गया है और एक वाइडिश मिड लॉन्ग ऑन पे रखा गया है। इस बार फिर आड़े बल्ले से खेला, गैप को ढूंढा और टटोला, गेंद को सीमा पार डाला 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ अपना खाता खोला, साथ ही अपने टीम का खाता खोला। यहां पर कहीं भी हो यहां आ जाए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो चलिए मैदान पर क्या गुजरेगा और क्या जाएगा, यहाँ पर ये शॉट्स कलात्मकता दिखाता हुआ शॉट था, आपको बताता चलूं कि यहाँ पर पावर फ्ली का फायदा उठाया थॉमस डाइज ने। थॉमस डाइज को जानते थे कि किस तरह से शॉट्स खेलना चाहिए और किस दिशा में गेंद को ढकेलना चाहिए। ये शॉट्स आपको ज़्यादातर लेदर क्रिकेट में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अब 4 रन के साथ खाता खुलता हुआ। इस बार फिर एक बार वहां पर कैच हो सकता था, धोखा हो सकता था, लेकिन चकमा देती हुई गेंद शॉर्ट लाइन लेग के फ्लैडी को गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक आप देख सकते हैं थॉमस, यहाँ पर कुछ व्यूहरचना करनी होगी, कुछ सूझ समझदार और समझदारी के साथ फील्डिंग लगानी होगी। लेकिन देख सकते हैं आप ऑन साइड के गेंद को जो है ना घुमाकर खेल रहे थॉमस डाइज, तो यहाँ पर समझदारी की शायद और सतीश पाटिल ने शायद वहाँ पर खिलाड़ी तैनात करने की यहाँ पर हिम्मत जुटाई और कहा कि नहीं, निश्चित रूप से एक दो गेंद तो बैक टू बैक चली गई है, लेकिन आने वाला वार किस तरह से होगा, पलट वार होगा क्या, हैट्रिक कर पाएगी क्या चौके की, ये देखना होगा। थॉमस डाइज भी उसी तरह के खिलाड़ी है और सतीश पाटिल भी, सतीश पाटिल ने उनका माइंड पढ़ा है, लेकिन थॉमस डाइज ने क्या गेंदबाज का माइंड पढ़ा है क्या, ये देखना होगा। इस बार बाहर की गेंद को छेड़ खाने की कोशिश ही नहीं की और यहां पर गेंद बिंदी जाती हुई, यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग आपको बताता चलूं कि यह बिंदी गेंद आती हुई। इसके बाद होने वाला मैच रहेगा बहुत ही बढ़िया मैच रहेगा, जिसका सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, ये घड़ी कब आएगी, और वो मैच रहेगा मानगांव और महाड़ के दरमियान। चलिए मैदान का रुख, सतीश पाटिल तैयार है, फिर आड़े बल्ले से मलिक वहां पर है, क्या कैच पर है, नहीं, चूकती हुई गेंद आर पार सीमा पर 4 रनों के लिए जाती हुई, बहुत कोशिश की, यहाँ पर तीसरा चौका लगता हुआ चौथी गेंद पर सतीश पाटिल के, देख सकते कि वहां पर फील्डर को चकमा देती हुई गेंद वन बाउंस सीमा रेशा बाउंड्री के बाहर चली गई। अब बताता चलूं कि रन संख्या जा पहुंची है बिना विकेट के, पर पहला ओवर पावर प्ले का जारी है और पहले ओवर की गेंदबाजी करे सतीश पाटिल, लेकिन रन संख्या 12 हो चुकी है और 12 रन के 12 रन आप देख सकते हैं चौकों की मदद से हासिल किए हैं। फिर एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गैप में ढकेला है गेंद को, दो खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद अर पार सीमा पार वन बाउंस सीमा रेशा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, यह चौथा चौका लगता हुआ। यहां पर आपको बताता 50 क्यों है, तो उसका पूरा उदाहरण आपके सामने देते हुए, ये खिलाड़ी के पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो जानते हैं फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का किस तरह से फायदा उठाया जाए, 30 यार्ड सर्कल में किस तरह से बल्लेबाजी की जाए, तो उस तरह से 30 यार्ड सर्कल के बल्लेबाजों को किस तरह से गेंद चकमा देते है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक भी 4 चौके जड़े है, रन संख्या जा पहुंची है 16 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए, 5 गेंदे हो चुकी है, आने वाली आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। फिर एक बार हवा में उठा दिया और गेंद सीमा पार, इस बार 6 रनों के लिए, और छक्के से स्वागत किया, ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 22 रन आते हुए। अफजल 11 महाड़ और मानगांव
दोनों टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस बॉक्स में पहुंचे और ये टॉस उछला जाएगा जनाब कमर दलवी के हाथों। जो कि पहले दिन का एक बाकी मुकाबला था, विलेज टू विलेज का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, एक बड़ा मुकाबला जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। साथ ही साथ मैं सेकंड कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो यहां पर रखी हुई साइकिल और वॉशिंग मशीन को भी बताते रहे ताकि दर्शकों को पता चले। एक आसान सा 100 रुपए का कूपन है, 10 ही बचे हैं, किसी भी खुशकिस्मत को इन 2-3 घंटों के बाद वो घड़ी लग सकती है। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरफ कैमरा घुमाते रहे, दर्शकों को इसका पता चले यूट्यूब के माध्यम से। एक साइकिल है जो 100 रुपए में आपके हाथ लग सकती है, जो खूबसूरत और बेहतरीन साइकिल जो जिसका आपने नज़ारा देखा होगा। बुरहान हवलदार, इनको बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए, रौनक बढ़ाए। साहिल तलवी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका बैठने का इंतजाम है। थैंक यू तजमुल दाते सर। चले मैदान का रुख करते हैं। चलो गेंदबाज है रेहान राजपुरकर, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हीरो। इस बार उड़ाया है हवा में गेंद, यस नो डाउट 6 रन के लिए यहां पर, और एक छक्का लगता हुआ शुभम के बल्ले से। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्रिस गेल की जो उपमा दी गई है इस खिलाड़ी को, ये राइट हैंड बल्लेबाज है लेकिन आप किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां पर शुभम ने बता दिया, इस छक्के की मदद से रन संख्या जा पहुंची 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। हालांकि आप देख सकते हैं सतीश पाटिल की जो गेंदबाजी थी बहुत अच्छी लाइन तो लेन के साथ थी, लेकिन उसी तरह से थॉमस डाइज ने उसका जवाब दिया था। बड़ा शॉट तो एंड में आया, फिर एक बार हवाई फायर करना चाहते थे खिलाड़ी, देखना होगा। यहाँ पर क्या छूटा है, और कोशिश की थी गेंदबाज रेहान ने, लेकिन ये गेंद मुझे लगता है कि शोहेब का कैच था, शोहेब को आना चाहिए था, लेकिन बहुत तेज़ी से आए थे और तेज़ी से आने के बाद शोहेब ने अपने आप को झोंका पीछे लिया। इसका मतलब ये हुआ कि शायद से मैं अगर सामने जाऊँ तो टक्कर हो सकती है, ये सोचकर पीछे हटे, लेकिन यहाँ पर कैच छुट्टा हुआ, 1 रन मिलता हुआ। तो यहाँ पर रन संख्या जा पहुँची है 29 रन, 29 धावा फल कर लग लेते मित्राओं। हर बॉल के बाद मैं रन बता रहा हूं दोस्तों, मेरा काम ही वही है दोस्तों। तो 29 रन, यस, बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर थॉमस डाइज को चकमा देती हुई गेंद, और नो डाउट लेकिन लेग बाइस के रूप में 1 रन आएगा, अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। अब और सिर्फ आपको बताता चलूँ कि जीतने के लिए 9 रन चाहिए, 9 रन रिक्वायर, और आप देख सकते हैं अभी भी विकेट लेने में। अफजल 11 का नाम ले और अफजल भाई हाजिर रहो, अफजल भाई मेमन, इनका मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे गुजारिश करूंगा कि नाइस स्पोर्ट्स क्लब दिगी ने बैठने का इंतजाम उनका किया है, ऊपर आके शामियाने के इज्जत बढ़ाए। वाइड गेंद, यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ, 1 रन और मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। सन्मान्य अफजल मेमन साहब इथं उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं मी नाथ स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय। चले मैदान का रुख करते दोस्तों, जहां पर घमासान युद्ध होना चाहता था लेकिन यहां पर पकड़ बना रही है टीम परवी 11। इस बार देखिए घुटना टेका था लेकिन देर टेका था, पहले शॉट्स खेलने की कोशिश की, यहाँ पर गेंदबाज कामयाब होता हुआ, बिंदी गेंद जाती हुई, बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद बिंदी जाने में कामयाब हुई रेहान राजपुरकर। आप देख सकते हैं शाहनवाज काजी, सन्माननीय शाहनवाज काजी साहेब इथं आलेले आहेत, मी त्यांचा नाथ स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। मैदान का रुख दोस्तों, रेहान राजपुरकर, बहुत अच्छी गेंद, यहां पर क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जरूर यूज किया था, उसी तरह से हेलीकॉप्टर उड़ाया था शुभम ने, छोर को बदला, दब तक के फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर जाता हुआ, इसको जा पहुंचा है 32 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। अभी भी आपको बताता चलूं, 7 रन जीतने के लिए चाहिए, ये फिनिंग शॉट मार सकते हैं थॉमस डाइव, क्या यह सोच होगी, लेकिन रेहान राजपुरकर है सामने, सूझ समझ के साथ शायद ये गेंदबाजी करते हैं, और कल भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ी थी अलीबाग जिले में, अलीबाग तालुके में अपनी जो छाप छोड़ के आए थे,
ओहो यहाँ पर देखिए फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन तो पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ बताता चलूं रन संख्या एक से हल्की सी बढ़ती हुई चली गई मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए 33 रन हो चुके हैं। आपको बताता चलूं दो ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ। दो ओवर की खेल के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगी 33 रन हो चुके। अब आने वाली कुछ 12 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 6 रन की दरकार है। 6 रन और एक इजी लक्ष्य, एक आसान लक्ष्य कहा जा सकता है, एक बड़ा शॉट्स मैच को जिता देगा। लेकिन इसके बाद में जो मैच होने वाला है दोस्तों, कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा, घमासान युद्ध होगा और जो युद्ध होगा विलेज टू विलेज के दरमियान। योगेश पेनकर अफजल 11 महाड़ की तरफ से रहेंगे, हमारे इस रंगमंच पर बैठे अफजल सर यहाँ पर मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा। साथ ही रहेगा जान 11 मानगांव, मुनव्वर मौलाना भी यहां पहुंच गए होंगे, उनका भी शुक्रगुजार हूं। इस बार ब्लॉक होल की गेंद मलिक के गेंदबाजी में देख सकते हैं आप, लेकिन कारपेट के सहारे खेला, एकदम आसानी से खेल रहे, गेंद को छोड़ दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ 2 रन दरकार है जीत के लिए दोस्तों। ये हार और जीत तो लगातार रहती है दोस्तों, सिक्के के 2 पहलू है, कभी आपकी तरफ उछलेगा कभी हमारी तरफ, ये बात निश्चित रूप से आप दर्शाते। मैदान का रुख जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन चाहिए, थॉमस डाइज वहां पर एक सलीम के साथ मजाक मस्ती करते हुए, ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप ये बताते हुए थॉमस। चलिए 2 रन दरकार है यहाँ पर, इसके बाद लेकिन घमासान युद्ध रहेगा। और अभी अभी हमारे साथ जो यूट्यूब माध्यम के साथ जुड़े हैं उनको बताता चलूं कि इसके बाद का जो मैच रहेगा विलेज परफॉर्मेंस विलेज टू विलेज का मैच रहेगा, जो सेमी का क्वार्टर का राउंड रहेगा। इस बार बढ़िया शॉट उठाकर खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद 1 बॉल सीमा रेखा की बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और यहाँ पर विनिंग शॉट लिया परवी 11 ने, बहुत ही बढ़िया परवी 11 मानगांव की यहाँ पर जीत होती हुई। जीतलेले संघाचे अभिनंदन, त्याचप्रमाणे हारलेल्या संघाचे सुद्धा अभिनंदन। स्पोर्ट्समॅनशिप दाखवल्याबद्दल धन्यवाद आणि